दोस्तों, अगर आप भी लता मंगेशकर जी के स्वर को महारानी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले की तैयारी कर रही है, क्योंकि पहले मुकाबले को भारतीय टीम जीत गई। लेकिन इस पहले मुकाबले के शुरुआत से पहले ही एक दुखद खबर सामने आई थी, जो कि लता मंगेशकर जी के निधन को लेकर थी। और लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा पाकिस्तान शोक में डूबा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं लता मंगेशकर के निधन के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या बयान दिया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, लता जी का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 की सीरीज खेलनी थी, और पहला मुकाबला खेलने के लिए भारतीय टीम जब अहमदाबाद पहुंची तो कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए और उनकी जगह कई नए खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया। लेकिन भारतीय टीम पहला मुकाबला जीत गई। लेकिन पहले मुकाबले से पहले एक दुखद खबर भी सामने आई थी, जो खबर लता मंगेशकर जी के अकस्मात निधन को लेकर है। और लता मंगेशकर भारत की एक स्वर कोकिला कही जाने वाली इकलौती महिला थी, क्योंकि इनके स्वर में वो आवाज है जो पूरी दुनिया को भारत के वैश्विक रूप को निखारती है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले एक महीने से गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन 6 फरवरी को सुबह 8 बजे लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांस ली। और इस आखिरी सांस के बाद पूरी दुनिया सदमे में चली गई और पूरी दुनिया शोक में डूब गई। लता मंगेशकर जी का जन्म 1930 में हुआ था और वो 92 साल की उम्र में 2022 में 6 फरवरी को सुबह 8 बजे उनका निधन हो गया, क्योंकि लता मंगेशकर पिछले एक महीने से बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थी। ऐसे में लता जी के निधन को सुनकर पूरा पाकिस्तान भी शोक में डूबा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने लता मंगेशकर के बारे में कहा कि एक स्वर्ण युग का अंत और उनकी जादुई आवाज और विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। और एक अद्वितीय आइकॉन मोहम्मद हफीज ने कहा कि श्रीमती लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सुनकर काफी आहत हूँ, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि 2016 में अपनी पिछली भारत यात्रा पर मुझे उनसे फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने मेहंदी हसन, SB और मैडम नूर जहां के भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। शोएब मलिक ने कहा है कि मैडम नूर जहां और लता मंगेशकर जी के मधुर गीतों को सुनकर हम बड़े हुए हैं। दुनिया ने आज एक और संपत्ति खो दी है और लता मंगेशकर जी को दुनिया भर के हर संगीत प्रेमी बहुत याद करेंगे। वहीं रमीज राजा ने कहा कि लता मंगेशकर नम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति थी, इसलिए महानता सभी के लिए सबक और किशोर कुमार, अब उनकी मौत से मेरा संगीत टूट गया है। और वसीम अकरम ने कहा कि लता जी की मृत्यु के बारे में सुनकर दुख हुआ, उनके सुंदर गीतों को सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। आप कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन एक मधुर गीत उनकी धुन को कभी नहीं भूलेंगे और संगीत की दुनिया ने एक किंवदंती खो दी है। तो उधर भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में लता मंगेशकर जी के निधन के कारण उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैदान पर खेलते हुए दिखाई दी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी के निधन के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और क्रिकेट जगत से पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।